Hey, Tom. Hey, where? Have you grown, sir? Yes, I've been Masu. Masu? Yeah. I'm okay, okay. जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज हैं स्टॉकहोम सेंट्रल में और हमारे साथ जो शख्सियत हैं ये स्वीडन के मशहूर बिजनेसमैन हैं और आज हमको आपको दिखाएंगे स्वीडन में जो हैंडमेड क्रिस्टल आर्ट होता है वो, और उससे मुतालिक जो है इनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे आया कि अगर हम लोग ये काम इधर करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार है और क्या ये आसान है, या कोई स्पेसिफिक बंदा जो सिर्फ आर्ट से इंटरेस्टेड वो ही कर सकता है या दूसरे बंदों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, और इस तरह के बहुत से सवाल उनसे पूछेंगे बिज़नेस के हवाले से। और उसके बाद हम थोड़ा सा विज़िट भी करेंगे इनके साथ, शॉप्स में देखेंगे जो ये स्वीडन के मशहूर आर्टिस्ट हैं कि उनका कैसा है वो आर्ट जो है उसे देखेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब साहब। वालेकुम सलाम अकबर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया। आपका शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाए। जी जी। तो सर सबसे पहले तो हम पूछेंगे कि ये आर्ट जो है इससे मुतल्लिक जी, ये कोई आर्टिस्ट हैं जिनका ये आर्ट है सारा जो हमें नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल जी, ये स्वीडन के मशहूर आर्टिस्ट हैं, मात्सी योनासन इनका नाम है जी। ये कोई 50-55 साल से ये काम कर रहे हैं जी। हाँ, स्वीडन वैसे अपने जो आप कह रहे हैं क्रिस्टल आर्ट, क्रिस्टल क्राफ्ट, ग्लास क्राफ्ट जिसे कहते हैं, आर्ट ग्लास कहते हैं कुछ लोग, इनमें काफ़ी मशहूर है यहाँ के आर्टिस्ट जो हैं, वर्ल्ड फेमस है। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो सर ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं शॉप्स में, ये बल्कि एक ही आर्टिस्ट हैं जिनका ये बनाए हुए हैं सारे? जी हाँ जी, ऑलमोस्ट जो हमारे मास्टर आर्टिस्ट कह रहे हैं मिस्टर मात्स योनासन, ये उन्हीं की हैं। कोई 5% जो उनके अंडर काम करते हैं, उनके जो कह रहे हैं उनकी टीम के जूनियर हैं, उनकी टीम के ही हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये सिर्फ स्वीडन के हद तक है या दूसरे ममालिक में भी जो लोग इससे मुंसलिक हैं वो जानते होंगे डेफिनेटली, ये उस तरह काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट हैं ये? हाँ जी, एक तो जो लोग बिजनेस करते हैं आर्ट का या गैलरीज वगैरह, वो लोग तो डेफिनेटली जानते हैं इनके, काफ़ी दुनिया के ममालिक में इनके कह रहे हैं रिटेलर जो हैं या गैलरी वाले जो बेचते हैं इनकी चीज़ें, तकरीबन दुनिया के हर कोने में कह लें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका, कनाडा, इधर यूरोप में मॉस्को, पेरिस, चेक रिपब्लिक में प्राग मशहूर है वहाँ, माल्टा, अब बार्सिलोना में भी इनका स्टोर है जी। सर पाकिस्तान से भी है कोई इस तरह की चीज़ें वगैरह? बहुत कम है, ऐसे आमतौर पर सुनने में आता है जैसे लोग एक क्रिस्टल वगैरह का पाकिस्तान का भी नाम आता है क्रिस्टल में, बल्कि या वो सुनने की हद तक अगर छोटे पीसेस वगैरह बनाते हैं या इस तरह की कोई चीज़ है पाकिस्तान में, अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो, सुनने में आया हो आपके कि इस तरह का आर्ट पाकिस्तान से भी आ रहा है? जहाँ तक मेरा नॉलेज है बस अब पाकिस्तान से आर्टिस्ट का नाम तो मैंने नहीं सुना, यही है पाकिस्तान या हमारे जो बरेसगीर में है वो जो क्या लें क्राफ्ट ग्लास में जो क्राफ्ट है वही चूड़ियाँ वगैरह जो बनाते हैं या ज्वेलरी श्यूलरी वही है, लेकिन इस तरह का कोई आर्टिस्ट मैं नहीं जानता भारत। तो सर ये मोलेनोस ये शायद कोई जगह का नाम है? हाँ जी, जो जिससे ये मुंसलिक है ये जिस? हाँ जी, ये जो मात्स योनासन आर्टिस्ट है इनके गाँव का नाम है। अच्छा, ये स्वीडन के गाँव? हाँ जी, स्वीडन का, स्वीडन में एक डिस्ट्रिक्ट है स्मॉल आर्म में एक गांव है जी, उसका नाम है मोलेरोस, कोई 250 आबादी है उस गांव की। अच्छा जी, यहाँ छोटे छोटे गांव है। सामने लिखा नजर आ रहा है क्रिस्टल हैंडमेड इन स्वीडन,
सिंस 1890 जी, तो 1890 से जो है ये श्रीलंका में, हर काफी ये आलू में तो इनका सुना हुआ काफी मशहूर है। हाँ जी, क्रिस्टल में भी काफी इनका नाम आता है ये स्वीडन का। हाँ जी बिल्कुल जी, स्वीडन की काफी लोग आर्टिस्ट पे, जिस तरह ये हमारी कंपनी मोलेरोस है, इसी तरह इनके जो साथ और गांव हैं वहाँ भी हैं, उनके भी अपने गांव के नाम से ब्रांड है, कह लें जिस तरह है कुस्ता बूदा है, ओरे फोर्शक भी बड़ा मशहूर नाम होता था। जी जी तो सर थोड़ा सा दिखाएंगे दुकान के जो वो डेकोरेशन पीसीस जो लगे हुए हैं, सारे डिस्प्ले हुए हैं, तो हमारे देखने वालों को वो दिखाएंगे, साथ साथ आपसे बातें भी करेंगे। जरूर जनाब, तो अभी हम आपको अभी विजिट करवाते हैं, बड़ी बड़ी जबरदस्त चीजें हैं उधर जो इन्होंने की हुई हैं, डिस्प्ले की हुई हैं। तो मुझे खुद बड़ा मैं इम्प्रेस हुआ देखकर, तो आपको वो दिखाते हैं, साथ साथ इनसे सवाल भी पूछते हैं और इनसे पूछेंगे मजीद कि क्या हम भी अगर इंटरेस्टेड हों, या कोई बंदा ऐसा है जो शौक रखता है अगर वो करना चाहे तो वो उसका क्या आसान है मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, इस काम को स्टार्ट करने के लिए। ये एक इसका हिस्सा जो है। हाँ जी, ये हमारी आर्ट गैलरी कह लें, हुई आर्टिस्ट मासी मासन है जी। तो ये खसूसा जो है ये भी उन्हीं की बनी है जी। बिल्कुल उन्हीं की बनी है जनाब, इसका नाम है दी हंटर। तो जिस तरह आप देख रहे हैं ये उन्होंने एक शेर जिस तरह आप कहते हैं इनकी जो कलेक्शन है आयरन एंड क्रिस्टल, तो ये आयरन एंड क्रिस्टल, तो ये इसके साथ में देख रहा हूँ तकरीबन सिमिलर है, ये भी चीजें हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की जी। हाँ जी, तो ये ऐसे होता है जैसे कोई बंदा अगर ये लेके जाता है साथ, वो उसको मुकम्मल करने के लिए एक सेट सा होता है इस तरह? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमने थोड़ा सा उसको कह लें कि एक तरतीब दी हुई है या हमारी नजर में है, लेकिन वैसे ये है हर एक आर्ट वर्क जो है वो अपनी जगह। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, मैंने बोला हंटर है, ये द किंग, लायन किंग जिसे कहते हैं ये है। तो इधर ये नॉर्डिक मिथोलॉजी है, नॉर्डिक जो इनके वाइकिंग्स गॉड्स वगैरह ने जी उससे उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो इस तरह भी वो नजर आ रहे पीस तो ऐसे लग रहा है जैसे वो नमक की कान नहीं है। बिल्कुल, ये आपने ये इसको शॉप लेते ना ये चीजें, इसको खुद ही मद्देनजर रखा था इसी के लिए, या इत्तेफाक हो गया कि आपने जब ये शॉप ली? दोनों चीजें, दोनों मतलब ये कि शॉप ये बिल्डिंग तो बहुत पुरानी बनी हुई है ना, लेकिन हमारे जब हमने देखा तो हमें बिल्कुल ये जहन में था, क्योंकि मोस्टली ये जो आर्टिस्ट हैं ये कई दफा स्वीडन के मुख्तलिफ शहरों में एग्जीबिशन करते हैं, तो एक दो दफा इन्होंने मुख्तलिफ इस तरह की जो पुरानी आप कह रहे हैं कैसल किले वगैरह उनके बेसमेंट वगैरह में करते रहे हैं। शॉप में नहीं आए, दूसरी शॉप में आए, लेकिन इसी तरह का आर्ट था जी। बिल्कुल रेड कोई बिल्कुल जी, सामने जो है फ्रंट में इन अ प्लेन ग्लास है जी, और उसके ऊपर उन्होंने एनग्रेविंग की है पहले दोनों साइड पे, इसको टच कर सकते हैं? हाँ, आप टच कर सकते हैं, आप इधर फील करेंगे कि ये एनग्रेव्ड है, इसी तरह इसके बैक साइड भी है, तो इसलिए ये जब दोनों तरफ पेंट हुआ हुआ तो आप देखते हैं कि लगता है कि जैसे बाकी बिल्कुल वो टैनी किसी ने इधर हाथ में पकड़ी हुई है। हाँ जी हाँ जी, और ये जो है हमारा, अच्छा वो अगर उस साइड से देखेंगे तो ये हाँ, आपको बिल्कुल बिल्कुल ये देखे ना इसके, अच्छा इसके अंदर नहीं है, शीशे के ऊपर उन्होंने, शीशे के ऊपर है, इधर कुछ बैक साइड पे है, ये देखे ना एक पार इसका ड्रैगन फ्लाई का इस तरफ है, दूसरा पार इस तरफ है, तो इसलिए उसमें थ्री डिमेंशनल बन जाता है जी। और ये उनकी सिग्नेचर, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
तो इसमें भी होते हैं इस तरह के, कभी इतफाक हो आपके सुनने में आओगे कॉपी वो बन रही हो जैसे उसकी नकल या कुछ, कि कम होता है इस तरह का? मेरा ख्याल है असल में ये काम जो नकल कर ले तो वो खुद भी कोई बना सकता है, लेकिन जो इनकी पॉपुलर चीजें सुना है कि कुछ उनकी करते हैं कॉपी करते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी, क्योंकि आर्ट की जरा मुश्किल हो जाती है कॉपी, जो वे बना लेगा तो उसके बाद समझो। जी हाँ जबरदस्ती। ये भी वही चीज है उसी, ये भी वही चीज है। ये प्लेन ग्लास पे है, इस पे उन्होंने सिर्फ एंग्रेविंग की हुई है, इसको पेंट नहीं किया गया। जी हाँ देखें क्या खूबसूरती है इसकी। जी बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ये फिर वो ये आ गया आपका जो उन्होंने का कॉम्बिनेशन क्रिस्टल एंड एक ये हमारा चैम्बर है इधर के, इसका देखने एक और स्टाइल है इनका जबरदस्त। हाँ ये तो इजिप्शियन इजिप्शियन है, मम्मी वगैरह जैसे होती है उनकी, मेरा ख्याल है इजिप्शियन तो नहीं है लेकिन कोई है स्टोरी को नहीं। जी मैं इजिप्शियन लग रहा है क्योंकि यहाँ के भी जो नीली है उनका इंस्पिरेशन बिल्कुल है बिल्कुल। जी हाँ जी हाँ जबरदस्त वाह। बहुत खूबसूरत। तो ये भी एक स्पेशल टेक्निक है, इसको ये कहते हैं जी ग्राल। सही। तो ये असल में ये जो इस पे आर्ट पेंट हुई है या जो भी नजर आ रहा है, ये आर्टिस्ट जो है ना जी ब्लो करने से पहले उस पे बना लेते हैं, उसके बाद उसको ब्लो करते हैं, फिर इसके ऊपर एक लेयर ग्लास की चली हुई है। जी अच्छा, तो ये जो पिक्चर है ये अंदर आ गई है इसके अंदर। बिल्कुल सही। लेकिन वो जो हमने वो आखिर में देखी थी इससे पहले या जो वो उसमें नहीं था ऐसा? नहीं वो और टेक्निक, वो तो नॉर्मल उन्होंने एंग्रेविंग की हुई है तो, और ये एक और टेक्निक है उनकी। जी हाँ बिल्कुल सही। चलेंगे इस तरह। ये भी बनी हुई है, ये भी स्पेशल टेक्निक है कि ये अंदर की जो है पहले बनाते हैं फिर उसके ऊपर आ जाता है एक और लेयर ग्लास की। जी हाँ जी हाँ। इसे भी एक और भी चैम्बर है जी, आज आपको वो भी दिखा देते हैं जनाब। जबरदस्त इधर ये सिर्फ क्रिस्टल में बने हुए हैं। जी हाँ जबरदस्त। हाँ जी ये मोस्टली हैंड पेंटेड बैक साइड। हाँ जी ओहो ये क्या चीज़ है जी, फ्रंट पे जो है बिल्कुल ये सामने। ये भी जी क्रिस्टल का बना हुआ है, दरमियान में जो फेस है बाकी वही मेटल। जी हाँ जी हाँ। और ये भी एक मिथोलॉजी है जी नॉर्डिक। जी हाँ जिस तरह इनकी पुरानी हिस्ट्री में लोगों के ख्याल हमारे जिस तरह पुराने देवते देवियाँ होती है जी, इस तरह इनके भी तारीख में आ रही है, कोई बुलाए हैं कोई। इस इधर नजर आ रहा है जैसे उन्होंने मेटल इस्तेमाल किया है इनके साथ जो। हाँ जी ये वही मेटल उधर उसके अंदर आ गया, लेकिन है वही के क्रिस्टल और मेटल। जी
ऊपर जो मेन तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है जो जो हमने नीचे देखे जी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आर्ट गैलरी इधर भी हमने ये भी उसी तरह ले में चीजा आर्ट वर्क है इसका नया नाम तो हमारे लोगों ने भी सुना अर्शवी दस हाँ जी हाँ जी तो ये मेरे उनसे कदरे बड़ा लग रहा है पीस जो हाँ जी थोड़ा साइज मुख्तलिफ साइज में बनाते इससे भी बड़ी बनाए उन्होंने जी हाँ उनका एक आर्ट वर्क इससे भी बड़ा और वो यूएन वाले बहुत उनको कहते रहे कि दे दे हमने उधर अच्छा। हाँ जी हाँ जी लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये मेरे इधर शोरूम में ही रहेगा अच्छा हाँ जी उनके गांव में उन्होंने बनाया उसका नाम है टेरर बैलेंस बैलेंस हाँ वो उन्होंने वो जो रशिया और अमेरिका की कोल्ड वार जब बड़े थे उस जमाने का उन्होंने ये क्योंकि बिल्कुल वो टूरिस्ट प्लेस है बिल्कुल हम कह रहे हैं जो स्टॉकहोम का दिल है उस जगह पर मौजूद है तो कभी जैसे स्वेलबर्ड ऐसा आपने जिक्र किया इसी तरह और कोई जो सेलिब्रिटी है या कोई मशहूर हस्ती है उनका कभी इत्तेफाक हुआ आने का उसमें हाँ जी हमारे पास काफी दुनिया के माने लोग आते हैं कोई फाइनेंशियली बड़े हैं कोई इस तरह मसलन सबसे बड़े जो मेरे पास दो दफा आ चुके वो तो मिस्टर बिल क्लिंटन है जी जो अच्छा के कराने जी हां पहले हां हां जी हां जी हां जी वेरी गुड अच्छा दो दफा इसको तो पहली दफा तो बंदा चले अचानक अगर आ भी जाए तो दूसरी दफा चला ही जाता है बिल्कुल जी अच्छा हां जी तो उन्हें कुछ लेके भी गए खाली काफी चीजें जनाब अच्छा वो तो ऐसे इशारा करते ये बाकी ये भी वो बाद में वो इशारा भी ऐसे होता है जैसे हमारे मिस्टर वर्क करते हैं हमें ये भी तो आते हैं ये तो बिल्कुल ऐसे अच्छा ये तो मैं शौक की बात है हां हां जी हां जी हां जी बिल्कुल तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है सारा जो है हां जी इस तरह और मशहूर है जिस तरह मतलब मीडिया वाले आप भी तो वो है लोकमत मीडिया इंडिया का विजय दद्दा जी वो भी होके गए हैं जी जी इनका बनाया होगा वो पर्सनली तो नहीं आए हमारे पास लेकिन ईरान के जो वजीर खारजा हैं जवाद जरीफ साहब उनके लिए स्पेशल बनाया गया जब उस रीजन आए थे तो कुछ उनके जो जानने वाले हैं कुछ लोग उनको तोहफा देना चाहते थे तो उस पे हमने स्पेशल आर्टिस्ट से उनका नाम लिखवाया इसलिए मुझे पता कि उन्होंने जवाद जरीफ साहब को दिया था जब वो इधर रीजन आए ये चूंकि डेफिनेटली एक दुकान जो है काफी इसकी लोकेशन काफी महंगी जगह पर है जी जी तो अगर सपोज कोई जैसे को बंदा करना चाहे जो इंटरेस्टेड है इस तरह का शॉप वगैरह तो वो किसी साइड पर लेता है साइड पर ये उसको लेनी चाहिए कि उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि किसी के जो चलती फिरती जगह जैसे बहुत ज्यादा टूरिस्ट पर आओ उस जगह पर बेहतर है ऐसी दुकान का होना जी हाँ मेरे ख्याल में जी ये चीज़ें अगर इस तरह की बेचनी है तो या तो कोई प्राइम लोकेशन होनी चाहिए इस तरह जहाँ विजिटर काफ़ी आए जी हाँ क्योंकि हमारे जो मेन ग्रुप कस्टमर हैं वो विजिटर होते हैं जो दूसरी कंट्री से स्वीडन को विजिट करने आते हैं टूरिस्ट वगैरह हाँ जी उस तरह लेकिन छोटे सेंटर वगैरह में लोगों ने इस तरह की गिफ्ट शॉप रखी हुई है लेकिन इस तरह एक एक्सक्लूसिव एक ही ब्रांड की दुकान मैं नहीं रिकमेंड करूंगा वहाँ आपको मिक्स रखना चाहिए कुछ इनका कुछ और दूसरे जो जी हाँ जी हाँ तो सर दूसरा कोई ऐसा कोई वाकया जो आपको अभी तक याद हो तो शेयर करना चाहेंगे बस जिंदगी तो वाकयात से भरी हुई है लेकिन ये है कि कई मसलन आप जाहिर है जी हम लोग जो अपना वतन छोड़ के बाहर आते हैं तो हमारी स्टोरी सारी उसके इर्द गिर्द घूमती है तो व्हाट्सअप यूं है कि जिस तरह हम सारे लोग तारकीने वतन जिन्हें कहते हैं पाकिस्तान से आए हैं तो मैं भी इसी तरह जवानी में ही इधर स्वीडन में आ गया था तो उस वक्त तो कोई बिजनेस का या इस तरह का गुजैन में नहीं था सवाल वैसे या कि मुझे स्वीडन का ये था कि उस वक्त
वैसे तो अब भी बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन उस वक्त भी बड़ी खुशहाली थी। तो उस वक्त यहाँ का जो किस था, था, था ये मैं भी 76 की बात कर रहा हूँ, 1976 की। तो उस वक्त यहाँ इन्होंने एक ऐसा बनाया हुआ था जनाब कि कोई भी नौजवान दुनिया के किसी भी मुल्क से यहाँ आए तो ये समर के जो गर्मियों के 4 महीने उसके अंदर उसको 3 महीने काम करने की इजाजत देते थे, बल्कि यह कि काम भी ढूंढ के देते थे। और मैं अगर आपको बताऊं तो उस वक्त भी बहुत अच्छे थे। तो मैं जर्मनी से इधर आया तो कुछ दोस्त जर्मनी में, उन्होंने मुझे दो नंबर फोन नंबर दिए, तो यहाँ मैंने उन दोस्तों को फोन किया। दो फोन के नंबर के, दो नंबर बंदों के फोन, उन्होंने दो दो बंदों के मतलब फोन नंबर दिए, दो दो अलग अलग नंबर दिए। तो वो दोस्त भी थे दोनों इकट्ठे ही होते थे, दो नंबर फोन नहीं नहीं दो नंबर। तो वो एक अपने पाकिस्तान के साहिबाल के हैं सईद साहब, और एक इंडिया के जोगिंदर सिंह साहब। तो वो लड़कों के दोस्त थे, तो उनको मैं ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि आज के नौजवान या आज के बच्चे सुन के हैरान होंगे कि ऐसा भी जमाना था। मैं जी दिन के 11 बजे स्वीडन पहुंचा था, और जनाब दिन के 3 बजे मेरे पास अपना फ्लैट था। तो ये जमाना था कि उसी वक्त आपको फ्लैट भी मिल जाता है सारा कुछ, या समझें कि अल्लाह की मेहरबानी थी, वालदैन की दुआ थी कि पहले दिन ही आके। तो स्वीडन अच्छा लगा मुझे कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, देखो सारा कुछ है। उसके बाद वही जो काम भी ढूंढ के देते थे, मैंने जाके भी वो एक आर्मस मेडलिंग इधर स्विया वैगन पे स्पेशल होती थी फार्मर के लिए, तो वहां जाके मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया। तो हफ्ते बाद मेरा नंबर आ गया, तो मुझे आज भी याद है जब मेरा नंबर आया तो उसने मुझे देख के कहा, जो आर्मस मेडलिंग वाला था, तो उसने कहा यार ये देखो नंबर तो तुम्हारा है, लेकिन मुझे लगता नहीं ये काम तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं किसी और को दे देता हूँ, तो अगला नंबर पे तुम्हें भेज दी। तो मैंने कहा क्यों भाई? तो कहता यार ये वो ना गार्डन में डिगिंग वगैरह का काम है, तो मैंने तुम्हारी पार्टी से लगता है कि तुमने कभी ये काम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने अच्छा आदमी था, उसने किसी और को तो भेज दिया, और मुझे उससे अगला नंबर आ गया। वो तकरीबन कह लें कि ऑफिस का ही काम था जिधर मुझे मिल गया। तो उस वक्त बड़े अच्छे हालात थे, इसलिए आज से मैं समझता हूँ कि ये मुल्क आपकी बहुत अच्छी। सर जो ये पाकिस्तान में जो लोग करते हैं काम, जैसे क्रिस्टल का या इस तरह का, तो आया क्या आप उनको कोई मशवरा देंगे उस हवाले से, कोई एक्सपोर्ट के हवाले से? इम्पोर्ट तो बहुत लोग करते रहे, जैसे पाकिस्तानी जो है जैसे इम्पोर्ट करते रहे कंप्रेसर वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह। सही। तो जो लोग इस तरह के काम करें जो क्रिस्टल है या वैसे मतलब इतने बड़े लेवल पर नहीं है, बड़े मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं, वैसे वो आप उनको मशवरा देंगे कि वो इस तरह का इस तरफ आए, कि कोई बंदे ढूंढे जिससे वो पाकिस्तान से अगर वो एक्सपोर्ट कर सकें इम्पोर्ट कर सकें? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि हमारे मुल्क में हमारे लोगों को अगर थोड़ा गाइड किया जाए, एजुकेट किया जाए, क्योंकि मैं पहले एक और ब्रांच में भी काम करता रहा, मुझे चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ मैंने देखा कि वो जो अब सारी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है बड़ी बेसिक इंडस्ट्री है, और यकीन करें कि वहाँ उनको इंग्लिश बोलने के लिए फार्मर को आ जाए तो ढूंढना पड़ता बंदा। वो मुझे जहन में आता कि यार हम तो हर बच्चा इंग्लिश जानता है, लेकिन यह कि हमारा रुझान हमारे जो कह रहे सियासी लीडर ने कभी शुरू किया था जो पुराने ज़माने में को एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो भी बनाई थी, और वो एग्जीबिशन सेंटर भी बनाए थे मियाँ साहब ने, लेकिन उस पर इतना काम नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि हमारे मैं समझूंगा अगर हमारे मुल्क में क्रिस्टल नहीं तो हमारी अपनी बहुत सी सकाफत है, रॉ मटीरियल जो चीज़ें उधर मिल सकती हैं उस पर काम कर सकते हैं हम। जी हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है कि होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है वो इस तरफ लोगों को एजुकेट करे, कोई इस तरह का डिपार्टमेंट बनाए, जो फिर टेक्निकल कॉलेज बनाए इस तरह, तो बिल्कुल एक्सपोर्ट हो सकती है। और हमारे लोग माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं जी, मैं सब तो बैठ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक कम्युनिटी के दरमियान रबते का काम कर रहे हैं आप, तो बड़ी अच्छी बात है, और हम होना भी चाहिए बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह वो कहते हैं ना कि हमारे तो
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों करोड़ों दुरूद उन पे, उन्होंने भी तिजारत के पेशे को कहा कि पेशा अच्छा पेशा उन्होंने किया, तो मैं समझता क्यों नहीं हमारे लोगों को बिल्कुल तिजारत में या बिजनेस में आना चाहिए। जी 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 जी। तो बाकी ये है कि ज़ाहिर है एक दिन में सारा कुछ तो नहीं हो जाता, लेकिन अगर आदमी नीयत साफ हो, सही मेहनत करे, और सबसे जो ज़रूरी असूल है बिजनेस के, मैं समझता हूँ वो हमारे मजहब ने हमें सिखाए हुए हैं, लेकिन वो हम भूल जाते हैं ना। बात ये है कि वरना देखे ना वो जो वाक्या सिखाते हैं कि अभी हजरत उमर का वो जो ऊँट वाला के वो ऊँट लंगड़ा निकला और वापस गए, तो यहाँ मॉडर्न जो बिजनेस वाले हैं उसको रेपुटेशन कहते हैं। तो इसलिए आप सही सर्विस दें, आप ईमानदारी से काम करें, तो अल्लाह ताला बरकत डालता है। बिल्कुल यहाँ भी वही असूल चलता है कि इनके बिजनेस, इसीलिए ये मुबालक तरक्की कर रहे हैं कि ये बिजनेस में भी असूलों पे काम करें, असूलों की ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल यही है। बाकी कोई ऐसी यहाँ ये नहीं है कि किसी वजह से यहाँ। सर मेरा सर आखिर में एक सवाल से भी आ गया जी, कि जो आम तौर पर जो छोटी दुकानें हैं स्वीडन में, इनका तो होता ना आप चीज ले दें, इसको इस्तेमाल भी करें, सही अगर पसंद नहीं वापस कर दें, तो ये जो मिनी है आइटम्स हैं इनमें भी ऐसा ही होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये है कि जो आर्टिस्ट कोई चीज बुक करवाता है बनाता जा रहा है उसको लेना, लेकिन अगर कोई चीज उसमें फॉल्ट आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, ये नहीं सिर्फ स्वीडन में हमारे कस्टमर, सारी दुनिया में कस्टमर है हमारे। अभी मेरे पास वो पैकेट पड़ा हुआ है, मैंने सिंगापुर भेजना है, तो वो हमारे कस्टमरों ने को आर्ट वर्क रखा था, कई साल हो गए उनको, लेकिन वो किसी वजह से उसमें कोई डिफॉल्ट आ गया, कोई एक पीस लूज हो गया, तो वो हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, मतलब ये कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर को की चीज़ भेजते हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसको हर लिहाज से खुश करने की कोशिश करते हैं। सर बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया जनाब, आप आए बिल्कुल। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। तो जैसा कि मसूद मीनार साहब ने कहा है कि बिल्कुल जब वो स्टार्ट में आज से कई साल पहले उनका बिल्कुल इरादा नहीं था, उन्होंने सोचा भी नहीं था, तो उसमें सिर्फ उनका क्या कहना है कि उनके वालदेन की दुआ थी, अल्लाह ताला का करम था। तो इसी तरह आप लोग भी अगर कोई मौका मिलता है तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, बिज़नेस की तरफ आएँ, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, बेशक छोटा हो, छोटे से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जब मेहनत करेंगे तो बड़ा भी होगा वो बिज़नेस। और उसकी शर्त यह है कि वो खालस अच्छी नीयत से हो और ईमानदारी से करें, तो अल्लाह ताला बरकत जो है वो डालते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का, इंशाल्लाह जल्द होगी आपसे मुलाकात। हो रहा है, अल्लाह हाफिज़।